नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। आज हम लोग बात करेंगे सफलता के चार सूत्र के बारे में। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, हम सब लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। सफलता है क्या? सफलता है हमारे निहित उद्देश्यों की प्राप्ति। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य रखता है और जैसे ही उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है, हम कहते हैं कि सफलता मिल गई। एग्जाम्पल के लिए, कोई विद्यार्थी जो दसवीं में पढ़ता है या बारहवीं में पढ़ता है और वो अच्छे अंकों से पास हो जाता है तो हम कहते हैं सफल हो गया। कोई विद्यार्थी डॉक्टरी की तैयारी करता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, कोई IAS ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करता है और जिस दिन वह डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, IAS ऑफिसर बन जाता है, हम कहते हैं कि वो सफल हो गया। सवाल है कि ये सफलता प्राप्त हुई कैसे? अगर आप सफलता शब्द को ही देखें तो आपको पता लगेगा कि सफलता में चार लेटर हैं। चार लेटर। पहला सौ। सौ कहता है सोचो, फिर फा। फा कहता है फैसला करो। उसके बाद ला। ला कहता है लक्ष्य निर्धारित करो। और फिर आता है ता। ता कहता है तालीम, यानी कि शिक्षा लो, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी सफलता बहुत ही मुश्किल काम है। अगर इस बात को हम ध्यान दें तो मैं आपको सफलता के चार सूत्र दे सकता हूं। यदि आप इन्हें जीवन में अपना लें तो आपकी सफलता निश्चित है। सफलता का जो पहला सूत्र है वो ये है कि आप अपने लिए एक ड्रीम तय करें। स्वप्न दृष्टा बनिए, सपना देखिए, क्योंकि जब आप सपना देखेंगे तभी तो आप उन सपनों को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए किसी भी सफलता के लिए सबसे पहला शर्त है कि आप सपना देखना शुरू करिए, क्योंकि सपने सच होते हैं। आप देखिए अपने आप को अंबानी की जगह पे, आप देखिए अपने आप को लता मंगेशकर की जगह पे, आप देखिए अपने आप को सचिन तेंदुलकर की जगह पे, आप अपने आप को देख सकते हैं बहुत बड़े राजनेता की जगह पे, बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर IAS ऑफिसर का एग्जाम्पल आप अपने सामने रख सकते हैं और उनको पूरा करने के लिए उस स्वप्न को लगातार देखते रहिए। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ सपना देखना आपको सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए दूसरा सूत्र है प्लान करना, स्ट्रेटेजी बनाना। अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? प्लान बनाना है, योजना बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, रणनीति तैयार करनी है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सिर्फ रणनीति बना लेना, सिर्फ योजना बना लेना आपको सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए जब आपने योजना तैयार कर ली है तो फिर आपके लिए तीसरा सूत्र है इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना। जो योजना आपने अपनी सफलता के लिए बनाई है उसको क्रियान्वित कीजिए, उसको अमल में लाइए और जब आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि उसमें कमियां कहां हैं। आपको यह भी पता लगेगा कि क्या मुझे अपनी योजना में किसी बदलाव की जरूरत है। अगर आपको इस तरह की जरूरत महसूस होती है तो समझिए आपको चौथे सूत्र की जरूरत है। और चौथा सूत्र है एनालाइज करना, विश्लेषण करना, असेस करना। खुद को असेस कीजिए, खुद को आप देखिए कि आपने जो प्लान बनाया, जिसको आपने इम्प्लीमेंट किया, उसमें कहां कमियां रह गई। अगर ये आपको पता लग जाता है तो आप उन कमियों को दूर कर सकते हैं और उसके बाद फिर एक बार शुरू कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं और फिर आसानी के साथ आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आपको सफलता की ये चार सूत्र अच्छे लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। धन्यवाद।